कोरोना काल में होने वाली नीट जेई परीक्षाओं के विरोध में कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया। राजधानी जयपुर में भी एमएनआईटी के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मुख्य सचेतक महेश जोशी, मंत्री प्रसादी लाल मीणा सहित कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। इस दौरान पायलट ने कहा कि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, ऐसे समय में परीक्षा कराना संभव नहीं है। वहीं मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस देश भर में इस मांग के साथ प्रदर्शन कर रही है, इस पर केंद्र सरकार को जल्द ही फैसला लेना चाहिए। देखिए, हम केंद्र सरकार जिस तरीके से मनमानीपूर्ण तरीके से काम कर रही है, ये संघीय ढांचा है। संघीय ढांचे में सारे राज्यों के अपने अधिकार, राज्यों की सलाह से काम होता है। केंद्र सरकार मनमानीपूर्ण तरीके से, चाहे एग्जामिनेशन की डेट की बात हो या कोई जीएसटी का लागू करने की बात हो, जिस तरीके से काम कर रही है, पैसा रोक रही है, परीक्षाओं के अनियमित तरीके से घोषणा कर रही है, ये नहीं देख रही कि जो राज्य की परीक्षाएँ होती हैं उनके अंदर एक दूसरी बात होती है। जयपुर की जयपुर में परीक्षा है, जयपुर में केंद्र होते हैं, जयपुर आना नहीं पड़ता। जो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं होती हैं उनके अंदर आवागमन, आना जाना, रहना, कोई आदमी यहाँ परीक्षा देने आएगा बेचारा कहाँ रहेगा, सारे होटल बंद है, धर्मशालाएं बंद है, रहने के स्थान बंद हैं, कहाँ ठहरेगा। तो बहुत सारी बातें हैं, इसके बारे में विचार करना चाहिए, केंद्र सरकार को परीक्षाएं करनी चाहिए। देखिए, विरोध प्रदर्शन हिंदुस्तान के जनता की आवाज के लिए किया है। हिंदुस्तान की जनता, देश का नौजवान सब ये चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर जी और नीट की परीक्षाएं कैंसिल की जाए। पूरे देश में बाढ़ के हालात है, कोरोना संकट जबरदस्त है, नौजवानों की जान पर खेलकर, उनकी जान को संकट में डालकर जी और नीट के बड़े एग्जाम है, पूरे देश में एग्जाम होगा, ऐसे में इनको ये एग्जाम कैंसिल करने चाहिए। और ये कोई कांग्रेस कोई वोट की लड़ाई नहीं लड़ रही है, सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रही है, ये देश के नौजवान की, देश की जनता की आवाज उठा रही है। ऐसे में बीजेपी को भी घमंड छोड़ना चाहिए। आपको यदि सत्ता मिली है तो लोगों की आवाज सुनकर समस्याओं का समाधान करने के लिए मिली है। विपक्ष जब भी कोई आंदोलन करता था पहले तो उनको बुलाकर बात की जाती थी। आज मोदी सरकार की भी जिम्मेदारी है कि राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, बाकी विपक्ष की पार्टियों के नेताओं को बुलाकर बात करे, समस्या का समाधान करे, नौजवानों की आवाज को समझे। मुझे भरोसा है कि सरकार यदि समझेगी तो टकराव नहीं होगा, नहीं तो पूरे देश में आंदोलन और तेज होगा, जो जी और नीट की परीक्षा इनको कैंसिल करनी पड़ेगी। छात्र अभी परीक्षा देने की स्थिति में नहीं है और इस परीक्षा को स्थगित करना चाहिए। छात्रों के हित में ना कोचिंग है, ना यूनिवर्सिटी कोई चल रही है, ना कॉलेज चल रहे हैं, पूरे इंडिया में बंद है, ये लॉकडाउन में, प्रधानमंत्री जी के लॉकडाउन में है, फिर परीक्षाएं किस बात की हो रही है? जो सारी यूनिवर्सिटी कॉलेज पूरे देश में बंद है, फिर परीक्षाएं क्यों करा रहे हैं? क्या जिद्दी है प्रधानमंत्री जी की? इसलिए सारी सोनिया जी के आह्वान पे हम इन परीक्षाओं को स्थगित करने की सब मांग कर रहे हैं।